निष्ठा 3.0 के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वर्ष से निष्ठा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। पिछले वर्ष निष्ठा 3.1 ये कार्यक्रम प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए था, कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं में अध्यापन करने वालों शिक्षकों के लिए था। इसके बाद इस वर्ष पिछले 3 माह पहले निष्ठा 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस महीने अक्टूबर 1 तारीख से निष्ठा 3.0 FLN कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, निष्ठा 3.0 FLN का आशय है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ये कार्यक्रम मूलतः कक्षा 5 तक के अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए है और यह कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। ये कार्यक्रम लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में चूँकि ये कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन करने के लिए भारत सरकार निपुण भारत नामक कार्यक्रम से शुभारंभ किए हैं। ये कार्यक्रम में पूरे राज्य के सभी शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करते हैं उनको अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उस प्रशिक्षण में 12 कोर्स हैं और ये 12 कोर्स क्रमिकवार प्रत्येक माह 2-2 कोर्स प्रत्येक शिक्षक को करना है। इस माह अक्टूबर में 2 कोर्स, कोर्स 1 और कोर्स 2, इसी तरह अगले माह फिर 2 कोर्स चालू होगा, कोर्स 3 और कोर्स 4, इसी तरह से 12 कोर्स उसको करना है सभी शिक्षकों को। हमारे राज्य की ये दायित्व है कि सभी शिक्षक ये कोर्स ज्वाइन करें और केवल कोर्स ज्वाइन ही ना करें, उस कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण करें। इसके लिए पूरे राज्य के जिला स्तर पर राज्य स्तर के अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य स्तर पर इस कोर्स के संचालन करने की जिम्मेदारी के साथ साथ और बहुत सारी भूमिकाएं हैं और इन भूमिकाओं पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इस कोर्स को सारे शिक्षक ज्वाइन करें और इस कोर्स को ज्वाइन करने में क्या क्या समस्या आती है, ये कोर्स अक्टूबर माह के कोर्स 1 और कोर्स 2 में क्या क्या बातें हैं जिनको शिक्षक को पढ़ना है और इस कोर्स को पूर्ण करना है, ये सब जानकारी देने के लिए, तकनीकी रूप में जानकारी देने के लिए हमारे बीच तलोकर जी हैं, वो तकनीकी से संबंधित जानकारी देंगे। मैं PR साहू कोर्स 1 के बारे में और कोर्स की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा और कोर्स 2 की जानकारी देंगे मैडम है हमारे बीच में उपस्थित है स्वाति दास, जो डाइट रायपुर से है। तो साथियों, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इन शिक्षकों को प्रशिक्षण मिले, ये सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें, ये प्राप्त करने के लिए हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं भूमिका के बारे में कहूँगा, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होनी चाहिए, विकासखंड स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से भूमिका होनी चाहिए, DMC की, DMC को
को मालूम है या आप लोग सभी को मालूम है, वो एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से जिला स्तर पर जो प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट है, डाइट के प्राचार्य, तो डाइट के प्राचार्य के बारे में हम कहना चाहें कि डाइट में विकासखंड के प्रभारी, उसके अकादमिक सदस्य प्रभारी होते हैं, तो वो जा कर के देखे कि विकासखंड में, उसके विकासखंड में वो जिस विकासखंड के प्रभारी हैं वहाँ के सारे शिक्षक इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, या और क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, और कितने शिक्षक नहीं जुड़े, एक एक शिक्षक तक उनको पहुँचे। और ये पहुँचने के लिए उसको विकासखंड पर दौरा करना पड़ेगा, विकासखंड से सतत संपर्क करना पड़ेगा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात करना पड़ेगा, और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी BRC इन सभी से बात करना पड़ेगा। तो इस तरह से सभी को अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना है, अपने दायित्व का निर्धारण करना है और निर्वहन करना है, और ये सुनिश्चित करना है कि प्राइमरी स्कूल के एक भी शिक्षक ऐसा न हो जो इस प्रशिक्षण से न जुड़े हो या इस प्रशिक्षण को पूरा न करता हो। ये कार्यक्रम 2025-26 में एक लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य में पहले पहुंचेंगे और उस लक्ष्य के बाद आगे क्या होगा, ये सब इस कार्यक्रम पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के कोर्स एक में अवगत कराना चाहूँगा, पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के लिए शिक्षकों को 12 कोर्स करना पड़ेगा, प्रत्येक माह 2 कोर्स करना पड़ेगा, ये कोर्स 6 माह में समाप्त हो जाएगा, और इस कोर्स को करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर मिलेंगे 1 माह के भीतर में। इस कोर्स का पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। तो स्लाइड चालू कर दी। कोर्स एक है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इस कोर्स के भीतर शिक्षकों को क्या क्या बिंदुओं पर जानकारी मिलेगी, उनमें से पहला बिंदु है कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या क्या बातें हैं, दूसरा कोर्स का सिंहावलोकन, तीसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन उसका परिचय क्या है, चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसको हम ECCE के नाम से जानते हैं, इसका बुनियादी अधिगम कैसा होना चाहिए, इन पर बातें की गई है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की विजन क्या है, इस पर बातें की गई है, उसका विजन क्या है FLN की, इस पर बातें की गई है। FLN मिशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर बातें हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है FLN मिशन की, इन पर बातें हैं। मिशन के संचालन में विभिन्न हित कारकों की क्या भूमिका है, विभिन्न हित कारकों में राज्य स्तर, हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें तो विभिन्न हित कारकों में पहला राज्य स्तर पर अधिकारियों, दूसरा है जिला स्तर पर, तीसरा है विकासखंड स्तर पर के अधिकारियों, चौथा है शिक्षकों का, पालकों का, समुदाय का, NGOs का, प्राइवेट स्कूलों का, इन सारी संगठनों पर हितकारकों पर बातें की गई है, उनकी क्या भूमिका होगी, और लास्ट में इस कार्यक्रम में इसका पूरा ब्रीफ बताया गया है कि सारांश क्या निचोड़ है। इसके लिए एक अतिरिक्त संसाधन भी इस कार्यक्रम को समझने के लिए जितने बिंदुओं दी गई है उसके अलावा और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त संसाधन के रूप में लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, उससे भी हम और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में एक मूल्यांकन होगा शिक्षकों को, शिक्षकों के लिए जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तब एक मूल्यांकन होगा, और इस मूल्यांकन में उनको 3 अवसर मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के परिचय के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें दी गई है। इसके कोर्स का विवरण है, बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए
भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन FLN प्रारंभ किया गया है। FLN मिशन इसलिए प्रारंभ किया गया है कि प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित का बुनियादी कौशल बच्चों को प्राप्त हो सके, इसलिए FLN मिशन प्रारंभ किया गया है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने का तरीका क्या होगा? तो इस पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी 100% 100% पूर्ण करे, इसके लिए उसे वीडियो सामग्री उपलब्ध है, दीक्षा ऐप पर वीडियो सामग्री उपलब्ध है, पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, जिसको पढ़ेंगे, वीडियो सामग्री में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और विभिन्न प्रकार की अभ्यास गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत सभी पाठ्य सामग्री से गुजरना होगा। एक्सरसाइज के रूप में प्रश्न भी दिए हैं और प्रश्न के बाद मूल्यांकन के लिए उसके अतिरिक्त प्रश्न दिए हुए हैं। पाठ्यक्रम के अंत में जो मूल्यांकन के प्रश्न होंगे, उन मूल्यांकन के प्रश्न को हल करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। और सफल कब माना जाएगा? जब प्रत्येक शिक्षक जब पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगा तो उन्हें 20 प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और इन 20 प्रश्नों में से 70% जवाब उनके सही होने चाहिए, अर्थात 14 प्रश्न के उत्तर उनको सही देना है, तब वह कोर्स पूरा करना होगा। यदि पहले अटेम्प्ट में 70% जवाब वो सही नहीं देता है तो उसके बाद उसको दूसरे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि पहले बार जब कोई प्रश्न दिए गए हैं 20 प्रश्न, तो वही प्रश्न दूसरे बार नहीं आएंगे, प्रश्न बदले हुए रहेंगे, रिपीट रहेंगे कुछ तो कुछ बदले हुए रहेंगे, और उसी प्रकार से तीसरे बार। तो इस तरह से शिक्षकों को इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए गुजरना पड़ेगा, वीडियो ऑडियो वीडियो सामग्री से गुजरना पड़ेगा, उसको पाठ्य सामग्री से गुजरना पड़ेगा, विभिन्न गतिविधियों से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद प्रश्नावली से गुजरना पड़ेगा। ये 3 अवसर उनको 1 माह के भीतर मिलेगा, अर्थात अक्टूबर महीना में कोर्स 1 और कोर्स 2 पूरा करना है। कोर्स 1 को पूरा करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे, कोर्स 2 को पूरा करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कोर्स 1 की जो अवधि है 3 से 4 घंटे लगता है, 3 से 4 घंटे में कोर्स 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और प्रश्नों को हल करें तो 3 से 4 घंटे लगता है। तो शिक्षक 1 दिन में ही 1 कोर्स पूरा कर सकता है, और दोनों कोर्स पूरा करने के लिए 2 दिन से ज़्यादा उसको नहीं लगना चाहिए। लेकिन नेटवर्क या कोई भी प्रॉब्लम हो या धीरे धीरे पढ़ें 2 दिन 4 दिन, लेकिन यदि हम लक्ष्य मान करके चले तो हर शिक्षक को ये तय कर लेना चाहिए कि पहले 10 तारीख तक कोर्स पूरा हो जाए, ताकि यदि किसी कारणवश नहीं होता है तो अगले 20 तारीख तक में फिर से उसको मौका मिले, और 20 तारीख के बाद तक तो उसके आगे उसको जाना नहीं चाहिए, 20 तारीख तक में समाप्त हो जाना चाहिए। तो 30 तारीख तक किसी शिक्षक को इंतजार नहीं करना चाहिए इस कोर्स को पूरा करने के लिए। और ये जो कोर्स है वो शिक्षक लोग कर रहे हैं जो पिछले साल निष्ठा 1.0 का कोर्स किए हैं, तो उन्हें न तो लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा होगा, न तो कोर्स को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, केवल दिक्कत ये आ सकती है कि कोर्स को वो पढ़े और पूरा करें, बस इतना ही है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, जब इस कोर्स को पूरा कर लेगा, कोर्स 1 को पूरा कर लेगा, तब शिक्षक शिक्षा के आधार के रूप में प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करना, ECCE के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्यों ECCE की जरूरत पड़ गया, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद हर शिक्षक को पता चल जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के लक्ष्य को जानना, FLN की मिशन की क्यों आवश्यकता है और उसका लक्ष्य क्या है, ये जान जाएंगे इस कोर्स को पूरा करने के बाद। FLN मिशन की क्या आवश्यकता है और उसको वो पहचान जाएंगे,
फिर एफएल एंड मिशन के लक्ष्य क्या है और उनके उद्देश्य क्या है, फिर विभिन्न हितकारकों की भूमिका और उसकी जवाबदेही क्या है इस कोर्स को पूरा करने के बाद जान जाएंगे। ये सारे बातें अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये इस कोर्स के भीतर आपको मिलेगा। ये जितने चीज हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये सारे चीज इस कोर्स के भीतर आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। और आज का जो वेबिनार करने का एक आशय या उद्देश्य मैं बताना चाहूँगा कि ये वेबिनार अगले माह 1 तारीख को आयोजित होगी, जिस दिन कोर्स प्रारंभ होगा या कोर्स प्रारंभ होने के पहले, और उस कोर्स के बारे में सूक्ष्मतम जानकारी प्रदान की जाएगी, जिस तरह से अभी जानकारी प्रदान किया जा रहा है और उससे सूक्ष्मतम जानकारी हर बार प्रदान की जाएगी, ताकि इस वेबिनार को देख करके सुन करके समझ करके हर एक शिक्षक को उस कोर्स को पूरा करने में उसको कोई दिक्कतें ना आए। यदि इस वेबिनार को देख ले और सुन ले और समझ ले तो वो कम से कम उसका 50% कोर्स आराम से पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जब वो कोर्स पूरा करेगा तो उसको पहले अटेम्प्ट में ही वो आसानी से कोर्स को कंप्लीट कर लेगा। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रत्येक माह के 1 तारीख या उससे पहले 30 तारीख को वेबिनार हम करेंगे, ऐसा हम प्रावधान रखे हुए हैं। और ये डेट जो है 1 तारीख या 30 तारीख थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कोर्स दिल्ली से आता है, यदि कोर्स समय पर नहीं आया तब की स्थिति में हम 1 तारीख के बाद वेबिनार करेंगे, लेकिन यदि कोर्स समय पर आ जाता है तो हम वेबिनार 1 तारीख को ही करना चाहेंगे या 30 तारीख को या महीना के अंतिम दिवस को करना चाहेंगे। तो हम आप सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि उस दिन आप सभी के सभी जुड़े और 10 तारीख तक कोर्स कंप्लीट करें और अधिकतम है तो 20 तारीख तक कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स की अगले भाग में आते हैं, कोर्स एक की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन कार्यक्रम का परिचय, FLN मिशन का परिचय। आप सभी को मालूम है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुका है, और नई शिक्षा नीति 2020 में पहली बार प्री स्कूल के विचार को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात ECCE को पहली बार प्री स्कूल के रूप में स्कूलों के साथ जोड़ा गया है। अभी तक प्री स्कूल को आंगनबाड़ी के रूप में देखा जाता था, अब इसको स्कूल विभाग में जोड़ा गया है, और Class 1 और 2 5 साल का एक एकीकृत पाठ्यक्रम है NEP के अंतर्गत। आप सभी को मालूम है NEP के जो पाठ्यक्रम है 5+3+3+4, और 5 का आशय है 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल, 2 साल Kakshya 1 और 2, ये 5 का मतलब होता है, 3 का मतलब होता है Kakshya 3, Kakshya 4, Kakshya 5, फिर 3 का मतलब होता है Kakshya 6, Kakshya 7, Kakshya 8, और 4 का मतलब होता है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो पहली बार NEP में 2020 में ये लागू किया गया है प्री प्राइमरी स्कूल, ECC पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस नीति का एक और विशिष्ट पहलू यह भी है कि इसमें Kakshya 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है 5 साल के लिए, और तीसरी को और जोड़ा गया है तो 6 साल। तीसरी तक के सभी बच्चे को FLN के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए, ये इस पर जोर दिया गया है, ये FLN मिशन का कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, FLN को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया है, जिसको हम निपुण भारत नाम से जानते हैं, और निपुण का अर्थ होता है, N का होता है नेशनल, निपुण में NIPUN, N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इनिशिएटिव, P का मतलब होता है प्रोफेशिएंसी इन रीडिंग विथ, U का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और N का मतलब होता है न्यूमरेसी।
अर्थात इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत। ये जो कार्यक्रम है FLN मिशन को लागू करने के लिए लॉन्च किया गया है और लॉन्च अगस्त में हुआ है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का लॉन्च किया है, आप सभी को मालूम है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना है। मिशन का जो दृष्टिकोण है वो देश में एक व्यापक विश्व स्तरीय वातावरण तैयार करना है जिससे ग्रेड तीन के अंत तक, ग्रेड तीन का मतलब हम कक्षा तीसरी के नाम से जानते हैं, बच्चे लिखने पढ़ने और गणितीय समझ की क्षमता प्राप्त कर सके। बुनियादी साक्षरता में लिखना और पढ़ना पर जोर दिया गया है और न्यूमरेसी जिसको संख्या ज्ञान कहते हैं उसको गणित समझ ये आनी चाहिए कक्षा तीन तक के बच्चों को। इसके लिए निपुण भारत कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। मिशन की गाइडलाइन के अनुसार मिशन के लक्ष्य है और उद्देश्य है उसके प्राप्ति के लिए विधिक शैक्षिक संस्थाओं एवं हितकारकों की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट, FLN मिशन के उद्देश्य। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? एक बार और आपको कहना चाहूँगा कि इस मिशन के उद्देश्य अभी हम जिन पर जिन सारी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं ये सब कोर्स एक के अंतर्गत है। ये सब एक एक लाइन आपको कोर्स के भीतर मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और इन्हीं बिंदुओं पर आपको मूल्यांकन होगा, आपका मूल्यांकन होगा। तो इनको ध्यान से सुनना चाहिए और जब आप कोर्स करेंगे तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो प्रमुख प्रमुख रहे आप नोटबुक रखें, नोटबुक में प्रमुख चीज़ों को नोट करें ताकि आपको उस समय जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न के उत्तर देने में आपको आसानी हो जाएगा। तो FLN मिशन के क्या उद्देश्य है, कुछ प्रश्न हो सकते हैं FLN मिशन के उद्देश्य क्या है, तो ध्यानपूर्वक देखें। FLN मिशन का पहला उद्देश्य है खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके इसे बच्चों की दैनिक जीवन स्थितियों से जोड़कर बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना है। इन सारी आयामों को शामिल किया गया है और कक्षा के वातावरण को एक समावेशी इंक्लूसिव वातावरण के रूप में डेवलप किया गया है, ये उसका उद्देश्य है। बच्चों को समझ के साथ पढ़ने लिखने के कौशल विकसित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र पाठक और लेखक, इस उद्देश्य को समझिए, बच्चों को एक स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने के लिए प्रेरित करना ताकि वो स्थायी रूप से लिखने और पढ़ने में सक्षम हो सके। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है FLN मिशन के लिए। ये पाया गया है अनुसंधान में, ये पाया गया है कि कक्षा 5 तक, अभी तो हम कार्यक्रम कक्षा 3 तक के लिए है, लेकिन ये पाया गया है कि कक्षा 5 तक और उसके आगे की भी कक्षाओं के लिए है कि बच्चे जिस स्तर के लिए है, जिस कक्षा के लिए है, उस कक्षा के पढ़ने से संबंधित बातें को पढ़ नहीं पाता है, न लिख पाता है, न ही गणितीय कौशल को कर पाता है और इसके बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं। और कैसे दुष्परिणाम हो रहे हैं ये जब आप पूरे 12 कोर्स कर लेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों को संख्या गणित के ये कुछ कौशल हैं। बच्चों को संख्या, माप, माप का मतलब है मेजरमेंट से है, आकार है शेप, इसके क्षेत्र में तर्क को समझने, उसमें संख्यात्मकता न्यूमरेसी और स्थानिक समझ विकसित करने के कौशल, समस्या समाधान करने में सक्षम बनाना, ये सारी चीज़ शामिल है गणित में। कोई समस्या आए तो कैसे समाधान होना चाहिए, गणित ये सिखाना चाहिए कि बच्चे को
उनकी समस्याओं का वो समाधान कर सके, ऐसे रूप बच्चों को सक्षम बनाना है इस मिशन के अंतर्गत। एफएलएन मिशन का उद्देश्य है शिक्षकों, प्रधान पाठकों और अकादमिक प्रशासकों, ये आप सभी ध्यान से सुने, शिक्षकों के लिए है, प्रधान पाठकों के लिए है और अकादमिक प्रशासकों की क्षमताओं का उन्नयन करना और उस पर सतत फोकस करना। 2025-26 तक ये सारे लक्ष्य हासिल करेंगे, क्रमिक लक्ष्य हासिल करते जाएंगे। बच्चों की उच्चतम शिक्षा को मजबूत बनाना, मजबूत आधारशिला के लिए शिक्षकों, इसमें केवल शिक्षकों का ही जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, नीति निर्माता, ये सभी की परस्पर भूमिका होगी और कैसी भूमिका होगी ये सारे चीजों का उल्लेख इस कोर्स में है। बच्चों की उच्चतम शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, इनके लिए हम सब की, चाहे समुदाय हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, सभी लोगों की भूमिकाएं सुनिश्चित की गई है। कुछ पोर्टफोलियो का निर्माण कराया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क देंगे, खेल, रोल प्ले, सीखने सिखाने में इन सारी चीजों का समावेश होगा, मौखिक परीक्षण होगा, क्विज होगा, इतने सारे टूल्स होंगे और इन सारी चीजों के माध्यम से सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला, अब हम बात करते हैं ECCE के बारे में, बुनियादी बाल्यावस्था देखभाल और एवं शिक्षा। ECCE ये क्या चीज है और इसमें शिक्षण कैसे होगा, क्या सीखेंगे, तो इस कोर्स में इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है। पहला जानकारी यह है ECCE के बारे में कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को ECCE को जन्म से 8 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया गया है। जन्म से 8 वर्ष, ये ECCE के क्षेत्र में आता है। वर्ष 2030 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा, आज से चालू करेंगे तो 2030 तक ये सुनिश्चित होगा कि सभी लड़के, सभी छात्र और सभी छात्राएं, लड़कियां, इसमें वंचित समूह, दिव्यांग एवं स्वास्थ्य के रूप में पिछड़े, जितने तरह से हम पिछड़े के बारे में परिभाषित करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, सभी को एक साथ लेने की बात कही गई है। इन सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखभाल एवं प्री स्कूल तक पहुंच हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षमतावान हो सके। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक वर्ष के दौरान मस्तिष्क का सर्वाधिक लचीला एवं सीखने की दृष्टि से अनुकूल होता है। ये 8 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र के बारे में कहा गया है कि मस्तिष्क का 25% विकास 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। इससे हम आशय निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं कि ECCE जो शिक्षा है कितना महत्वपूर्ण है, तो ECCE शिक्षा पर हमको कितना जोर देना चाहिए, एक क्योंकि 85% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इन पर सभी को मिलजुल करके काम करना है। बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा मुख्य रूप से लचीली होगा, मेनी डायमेंशनल होगा, बहुआयामी होगा, मल्टी लेवल होगा, बहुस्तरीय होगा, खेल आधारित होगा, गतिविधि आधारित होगा, इसमें अक्षर होंगे, भाषाएं होंगे, संख्याएं होंगे, गिनती होंगे, रंग होंगे, आकार होंगे, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, खेल होगा, पहेली होगा, तर्क होगा और तर्क आधारित सोच का विकास होगा, समस्या का समाधान होगा, संगीत होगा, व्यवहार होगा, कुशलता होगा, शिष्टाचार होगा, नैतिकता होगा, व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तर पर स्वच्छता पर ध्यान दी जाएगी, टीम वर्क
के साथ काम होगा, सहयोग की भावना को विकसित करना होगा, ये सारे चीज इन 6 वर्षों के भीतर सीखने को बच्चे को मिलेगा, सिखाने के सबको अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, FLN मिशन की आवश्यकता और महत्व पर कुछ चर्चा है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। FLN मिशन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका महत्व क्या है। भारत ने लगभग 2,50,00,000 स्कूली बच्चों और 9,02,00,000 शिक्षकों के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणालियों में से एक प्राथमिक स्तर तक व्यापक क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश का, लेकिन इसके बाद अनुसंधानों से ये सुनिश्चित किया गया है कि यदि बच्चे एक बार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में पीछे रह जाते हैं, इसको बहुत बड़ा हाईलाइट किया गया है, अनुसंधान ये कहता है कि यदि बच्चे एक बार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में पीछे रह जाते हैं तो वे वर्षों तक इसी पिछड़ी अवस्था में रहते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, यदि किसी को ठीक से गुणा करने नहीं आया तो आगे कक्षा में चला जाता है, लेकिन जब 12वीं भी पास हो जाता है तब भी उसको ठीक से गुणा करने के कॉन्सेप्ट उसको नहीं रहता है, इस तरह से अनुसंधान कहते हैं। तो ये कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात है। और वो निरंतर पीछे होते जाते हैं, पिछड़ते हैं और उसके बाद अन्य चीजों में वो पीछे होते जाते हैं, और अनुसंधान ये कहता है तो इसके कारण गणित में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, शिक्षकों को इसके कारण कोर्स पूरा करने में दिक्कत आती है, बहुत सारे समस्या है। तो ये FLN कितना महत्वपूर्ण है और इसकी क्यों आवश्यकता है, ये हाईलाइट हो रहा है इसमें। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना एक अनिवार्य राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए, मिशन बनना चाहिए। मिशन का अर्थ है कि किसी भी कार्य में सभी को लगना है और जिस कार्यक्रम में लगे हैं जब तक लगना है जब तक वो काम समाप्त न हो जाए या वो काम पूरा न हो जाए, तो ये इसको मिशन के रूप में देखा जा रहा है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य और मिशन को पूरा करने में योगदान देने के लिए इस मिशन को कौन किसका किसका योगदान है, देखिए स्टूडेंट्स का, छात्रों का योगदान है, उनके स्कूल के शिक्षकों का योगदान होगा, माता पिता का योगदान होगा, समाज का योगदान होगा, समाज के साथ साथ हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसमें किसी भी को छोड़ा नहीं गया है, सबकी भूमिका निर्वहन किया गया है, एक एक लोगों की भूमिका के बारे में, हाँ नेक्स्ट कर दो, एक एक लोगों की भूमिका के बारे में अलग अलग कोर्स में, कोर्स एक, कोर्स दो, कोर्स तीन, ये सारी चीजों को आपको कोर्स 12 तक जानकारी मिलेगी। और इस कोर्स को रन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए 5 स्तरीय तंत्र का निर्माण किया गया है जो इस कोर्स को, इस मिशन को क्रियान्वयन करेंगे, जिसमें से राष्ट्रीय मिशन है, राज्य मिशन है, जिला मिशन है, ब्लॉक या क्लस्टर मिशन है, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा समुदाय की सहभागिता है। ये 5 प्रमुख घटक है जिनके माध्यम से FLN मिशन को पूरा किया जाएगा, निपुण भारत योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। कैसे क्रियान्वयन होगा, हम राज्य स्तर पर SCRT की क्या भूमिका होगी, तो एक भूमिका तो अभी आप लोगों के समक्ष है कि हम शिक्षकों का मार्गदर्शन करें, शिक्षकों को कोर्स करवाएं, ये एक भूमिका है। और SCRT की प्रमुख भूमिकाओं में देखिए, स्थानीय रूप से प्रासंगिक शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाया जाएगा, ये SCRT के द्वारा होगा। शिक्षकों का व्यापक क्षमता विकास होगा, जो क्षमता विकास के इस चरण में हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये क्षमता विकास से संबंधित ही कार्यक्रम भी चालू है। स्थानीय भाषा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना और अन्य संसाधन का विकास करना,
कक्षा एक से पांच तक के लिए अतिरिक्त पुस्तक के अतिरिक्त अधिगम सामग्री बनाना जो आकर्षक होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, नयापन लिए होना चाहिए। एससीईआरटी कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए निरंतर आइटम बैंक विकसित करेगा जो मानकीकृत होगा, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा उसका। और बहुत सारी भूमिकाएं हैं, मैं इसके मुख्य मुख्य भूमिका के बारे में बात किया हूं। जब आप इस कोर्स को पूरा करोगे संपूर्ण भूमिका के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। डाइट की क्या भूमिका होगी, एफएलएन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में डाइट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी ये जिला स्तर पर। इसके लिए डाइट को जिला स्तर पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है, जिसमें कार्य करने के लिए लचीलापन हो और जिले के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में वो सक्षम हो। इस तरह से और उसके काम है। बीईओ और डीईओ की क्या भूमिका होनी चाहिए, बीईओ और डीईओ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने में जिला और ब्लॉक स्तर पर मिशन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके बगैर, बीईओ और डीओ के बगैर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब तक बीईओ और डीईओ हर एक शिक्षक तक नहीं पहुंचेगा, हर एक शिक्षक को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी और हर एक शिक्षक इस कार्यक्रम को पूरा नहीं करता है तो ये फिर मिशन पूरा नहीं होगा और ये यहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी बीईओ और डीईओ की है। इसलिए इस कार्यक्रम में बीईओ, डीईओ और सभी जिला के अधिकारियों को जोड़ा गया है। अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का पर्यवेक्षण करेंगे, परामर्श करेंगे, निरीक्षण करेंगे। संबंधित राज्य सरकार प्रशासन द्वारा स्कूलों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक है, वर्दी है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, शिक्षकों को प्रशिक्षण कराना, बच्चों का मूल्यांकन कराना, समुदाय की सहयोग प्राप्त करना, अन्य सभी लोगों की सहयोग प्राप्त करना, इनके उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी तरह से बीआरसी और सीआरसी की भूमिका है, बीआरसी और सीआरसी की महत्वपूर्ण केंद्र की तरह काम करेंगे और बीआरसी और सीआरसी की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में डीएमसी डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। तो पूरा रणनीति बनाएंगे कि बीआरसी की भूमिका कैसे वो सुनिश्चित करें, सीआरसी की भूमिका वो कैसे सुनिश्चित करें और एफएलएन के लक्ष्य के मिशन को प्राप्त करने के लिए वो कितना करें। इस एफएलएन मिशन को ये पूरा देश में लॉन्च किया गया है और इस एफएलएन मिशन को एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है कि एफएलएन मिशन हमारा राज्य कैसे इसको प्राप्त करेगा, 100% लक्ष्य कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो हर राज्य अपना अपना नीति बना रहा है और हर राज्य एक इसको प्रतिस्पर्धा के रूप में देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसे हर जिला के अधिकारी इसको प्रतिस्पर्धा के रूप में देखें कि उसके जिला के जो हर एक शिक्षक है इस प्रशिक्षण को एक भी शिक्षक न चुके। इस तरह से हर जिला शिक्षा अधिकारी, हर डीएमसी की ये जिम्मेदारी होगी, हर बीओ और बीआरसी की जिम्मेदारी होगी और सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो उस शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। हम उस शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो किसी बीओ किसी बीआरसी के आदेश तक इंतजार ना करें, वो स्वयं बगैर आदेश के ही इस कोर्स से जुड़े और उस कोर्स को पूरा करके बता दें कि हम 10 तारीख तक 20 तारीख तक हम इसको कोर्स को पूरा कर लिए और ये हमारे सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये कोर्स पूरा करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट को बताए कि देखो ये हमको सर्टिफिकेट मिला, हमने इस कोर्स को पूरा कर लिया। तो हर शिक्षक किसी बीओ की आदेश तक इंतजार न करे, किसी सहायक विकास शिक्षा के अधिकारी के आदेश तक इंतजार न करे। हर शिक्षक एक मिशन का प्रमुख सिपाही है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसके बगैर इस मिशन सफलता निश्चित नहीं है। जब तक हर शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे सफलतापूर्वक मिशन संपादित होना संदेहास्पद रहेगा। तो हमारे अपने जिले के लिए करें, हमारे अपने राज्य के लिए करें और हम ये बता दें कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे शिक्षक इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लिए हैं। तो इन सारे चीज़ें इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स एक के बारे में दिया गया है।